नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के 37 जिलों के एडीएम को मिली एक नई जिम्मेदारी। जातीय गणना पर पटना हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। बिहार में जमीन विवाद रोकने की नई पहल। बिहार के 1 लाख छात्र देंगे नीट का एग्जाम। आईपीएल के अगले सीजन में खेलने को लेकर धोनी ने दिया बड़ा बयान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनआईटी पटना ने 19 पदों के लिए निकाली भर्ती। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट के कुल 19 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास निर्दिष्ट विषय में डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए और साथ ही वांछनीय कार्य अनुभव एक अतिरिक्त लाभ होना भी अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार एनआईटी पटना की आधिकारिक वेबसाइट www.nitp.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। बिहार के 37 जिलों के एडीएम को मिली एक नई जिम्मेदारी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लेते हुए मुजफ्फरपुर छोड़कर शेष जिलों में पदस्थापित अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके तहत ये सभी अब अगले आदेश तक आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता रहेंगे। मालूम हो कि जारी किए गए अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों मुजफ्फरपुर जिला छोड़कर अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी के पद पर पदस्थापित पदाधिकारी को अगले आदेश तक संबंधित जिला के अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे ब्रह्मानंद एस सिंह के बारे में। ब्रह्मानंद एस सिंह एक भारतीय फिल्म निर्माता, निर्देशक और स्क्रीन राइटर है, जो बॉलीवुड में अपने बेहतरीन निर्देशन के लिए पहचाने जाते हैं और अब तक कई पुरस्कारों से सम्मानित किए जा चुके हैं। उन्हें मुख्यतः फिल्म कागज की कश्ती, जो कि जगजीत सिंह की बायोग्राफी पर है, उसके लिए जाना जाता है। ब्रह्मानंद ने 1980 के दशक में कला और सिनेमा के बारे में लिखना शुरू किया। ब्रह्मानंद ने 3000 से अधिक लेख और विशेषताएं, निबंध, कविताएं और लघु कथाएं, साथ ही साथ 3 जीवनी पुस्तकें, स्ट्रिंग्स ऑफ इटर्निटी, डायमंड्स एंड रस्ट एंड लाइटनेस ऑफ बीइंग प्रकाशित की है। वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों और पुरस्कार प्लेटफॉर्मों के जूरी में भी बैठे हैं और फिल्म निर्माण और पटकथा लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी। बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ के द्वारा राज्य सरकार द्वारा राज्य में जातियों की गणना और आर्थिक सर्वेक्षण को चुनौती देने वाले अखिलेश कुमार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की गई। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट के द्वारा आज यानी कि 4 मई को अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दौरान कोर्ट के द्वारा यह जानना चाहा कि जातियों के आधार पर गणना व आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी पूछा कि ये अधिकार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है या नहीं, इससे निजता का उल्लंघन होगा क्या। बता दें कि कोर्ट इस मामले पर आज अंतरिम आदेश पारित करेगा। राज्य के सभी वीवी कॉलेजों में योग शिक्षा की होगी शुरुआत। राजभवन के द्वारा पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक नीतीश मिश्रा के आग्रह को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी वीवी कॉलेजों के कुलपति को पत्र लिखकर सूबे के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में योग शिक्षा को पाठ्यक्रम एवं संकाय के रूप में प्रारंभ करने को लेकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है। मालूम हो कि राज्यपाल के द्वारा दिए गए इस पत्र से राज्य के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में योग शिक्षा के पाठ्यक्रम के प्रारंभ होने की आस जग गई है। बता दें इस बात को लेकर नीतीश मिश्रा ने बिहार के राज्यपाल से सह कुलाधिपति से भी मुलाकात की थी और अपनी बातों को उनके सामने रखा था। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया था और वह इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब उनका प्रयास रंग लाता दिख रहा है। बिहार में जमीन विवाद रोकने की नई पहल। राज्य में नए जमीन विवाद को रोका जा सके, इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है। बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अब राज्य की कोई जमीन बैंक के पास गिरवी है या नहीं, इसकी जानकारी अब जमाबंदी पंजी देख कर पता लगाई जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अगर किसी रैयत के द्वारा किसी जमाबंदी की जमीन को बैंक में बंधक रखकर लोन लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में लोन से संबंधित विवरण को जमाबंदी पंजी में देखा जा सकेगा। ऐसे में लोग जमीन की खरीद बिक्री के दौरान बंधक पड़ी जमीन को लेने से बच सकेंगे और भूमि विवाद में भी कमी आएगी। मनरेगा की रैंकिंग में राज्य का यह जिला टॉप।
बिहार विकास विभाग सोसाइटी के मुख्य परिचालन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह की ओर से मनरेगा में मार्च महीने के प्रदर्शन को लेकर एक रैंकिंग जारी की गई है। बता दें कि जारी किए गए रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिलों में से जिस जिले ने मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है वह जमुई है। मालूम हो कि यह रैंकिंग 13 हिस्सों के आधार पर निर्धारण किया गया है। वहीं अगर हम बात करें महिला मनरेगा मजदूरों को काम दिलाने वाले जिलों के बारे में तो इसमें कई जिलों को 10 में से 10 अंक मिले हैं, जिनमें मधुबनी, खगड़िया, बेगूसराय, किशनगंज, समस्तीपुर, वैशाली, नवादा और सुपौल जैसे जिले शामिल है। लेकिन कुछ जिले ऐसे भी है जिन्हें 10 में से 1 अंक से भी कम नंबर मिले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह सोसाइटी बिहार ग्रामीण विकास विभाग के तहत संचालित की जाती है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे चानकीगढ़ के बारे में। चानकीगढ़ पश्चिमी चंपारण में घूमने वाली एक मुख्य जगह है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टीला देखने के लिए मिलता है और किले के अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह किला ईंटों से बना हुआ है। अब इस किले के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह किला मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य का है। इस किले का संरक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गार्डन देखने के लिए मिलता है। यह किला पश्चिमी चंपारण में स्थित है। यह किला पश्चिमी चंपारण में नरकटियागंज में स्थित है। आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और इस किले को देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण का पिकनिक स्पॉट है। आधार कार्ड अपडेट का बदल गया नियम। अगर आप भी उन लोगों में आते हैं जिनका आधार कार्ड 10 साल या 10 साल से अधिक पुराना हो गया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ऐसे लोगों को अपना आधार कार्ड जल्द से जल्द अपडेट करवा लेना होगा। मालूम हो कि अपडेट करवाने के लिए आपको 50 रुपए शुल्क के रूप में देने होंगे, लेकिन बता दें कि अब आपको अपने आधार कार्ड में बदलाव करवाने के लिए आपको अपना पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसमें आप पहचान पत्र के रूप में पासपोर्ट, पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल, ईसीएचएस कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आदि दे सकते हैं। वहीं पते का प्रमाण पत्र के रूप में आप पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर आईडी समेत वे चीजें दे सकते हैं जो आपके नाम पर हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निःशुल्क आधार कार्ड अपडेट करवाने का समय 14 जून तक निर्धारित किया गया है। बिहार के हर प्रखंड में खुलेगा सुधा होल डे मिल्क बूथ। पशुपालन विभाग के द्वारा राज्य के सभी प्रखंडों में कम से कम एक सुधा होल डे मिल्क बूथ को खोलने का निर्णय ले लिया गया है। इसके लिए कॉम्फेड के माध्यम से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी राज्य में 458 सुधा का होल डे मिल्क बूथ है, लेकिन यह सभी होल डे मिल्क बूथ राज्य के हर प्रखंड में नहीं है, जिसके बाद विभाग की ओर से 600 और होल डे मिल्क बूथ खोलने का निर्णय लिया गया है। मालूम हो कि होल डे मिल्क बूथ खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और साथ ही 49 होल डे मिल्क बूथ का निर्माण करने के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य के हर प्रखंड में होल डे मिल्क बूथ का निर्माण होने के बाद उसका जिम्मा राज्य के बेरोजगार युवाओं और जीविका समूहों को दिया जाएगा। बिहार के इन जिलों में चालान काटने की जानकारी मिलेगी SMS से। पटना नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य के कुछ जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात नियम तोड़ने वालों पर तीसरी नजर बनाए रखने और ई चालान के माध्यम से वाहन मालिकों को जुर्माने की रसीद भेजने की तैयारी परिवहन विभाग के द्वारा NIC के माध्यम से बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से ट्रायल का भी शुरुआत कर दिया गया है। बता दें इस बात की जानकारी राज्य परिवहन आयुक्त कार्तिकेय धनजी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके दी गई है। मालूम हो कि एक बार चालान काटे जाने के बाद और मैसेज चले जाने के बाद वाहन मालिक को 90 दिनों के अंदर राशि का भुगतान करना होगा और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो उनका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिससे गाड़ी मालिक प्रदूषण प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सहित एक भी काम नहीं करा पाएंगे। बिहार के 1 लाख छात्र देंगे नीट का एग्जाम। नीट UG 2023 का आयोजन इस बार 7 मई रविवार को दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि इस बार बिहार से 1 लाख से ज्यादा छात्र इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, लेकिन इस परीक्षा में शामिल होने से पहले परीक्षार्थियों के पास एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। जो परीक्षार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ में की मदद से आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परीक्षार्थियों को एग्जाम के दौरान तस्वीरों के साथ एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर भी जाना बहुत जरूरी है और इसके साथ ही परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड और परीक्षा हॉल के अंदर ले जाने वाली चीजों की भी लिस्ट जारी कर दी गई है। मालूम हो कि इस बार ये एग्जाम बिहार के 27 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। अपनी जरूरत के मछली उत्पादन में कामयाब हुआ राज्य।
बिहार में सालाना 8.02 लाख टन मछली की जरूरत होती है, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार ने अपनी जरूरत से ज्यादा मछली उत्पादन कर लिया है। बता दें कि इस बार राज्य में मछली उत्पादन कुल 8,46,000 टन किया गया है, जो कि पिछले वर्ष यानी कि 2021-22 की तुलना में 85,000 टन अधिक है। यानी कि वर्ष 2021-22 में राज्य में 7.61 लाख टन मछली का उत्पादन किया गया था। मालूम हो कि पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा मछली उत्पादन का आंकड़ा तैयार कर लिया गया है, जिसके तहत यह जानकारी मिली है कि राज्य में 10 सालों में मछली उत्पादन में दोगुना से अधिक वृद्धि हुई है, लेकिन साथ में लगातार खपत में भी वृद्धि हो रही है। मालूम हो किस बात की जानकारी बिहार पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री आफाक आलम के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। राज्य में 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने को मिली अनुमति। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य SC चौरसिया के बेंच के द्वारा 3 साल के दौरान चली 6 सुनवाई के बाद बिजली कंपनियों के द्वारा स्मार्ट मीटरिंग प्रोजेक्ट की अनुमति को लेकर वर्ष 2020 में दायर एक याचिका का निपटारा करते हुए यह अनुमति दी गई है कि बिहार में 23.5 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि राज्य में प्रति मीटर 86.23 रुपये मासिक किराया तय किया गया है। बता दें कि मासिक किराया उपभोक्ताओं से वसूला जाएगा या राज्य सरकार अनुदान के रूप में इसकी भरपाई की जाएगी, यह निर्णय बिजली कंपनी द्वारा किया जाएगा। आयोग के द्वारा आदेश में यह भी कहा गया है कि कंपनियों को बिहार में नए लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर परीक्षण की सुविधा दी जाएगी। राज्य में मौसम बना रहेगा शुष्क। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बदलते हालात के बीच में अब बारिश और गर्मी जैसे हालात रहने वाले हैं। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को अभी से सतर्क करना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के अधिकांश जिलों में उष्ण लहर यानी कि लू चलने जैसे हालात रहने की संभावना है, साथ ही साथ बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में सामान्य बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस दौरान गर्मी का असर साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार अगले सप्ताह में प्रदेश में लू चलने की संभावना जताई गई है। इधर मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी की बात कही गई है। इसी कारण मई में स्वास्थ्य एवं फसलों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने को कहा जा रहा है। NEP में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स के लिए इस दिन तक करें आवेदन। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd कोर्स को लेकर नई शिक्षा नीति के तहत NCTE के द्वारा अब स्नातक की पढ़ाई कराने वाले कॉलेजों में BEd की पढ़ाई शुरू कराने के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसकी अंतिम तारीख 31 मई तक निर्धारित की गई है। यानी कि अब कॉलेजों के द्वारा इस कोर्स की शुरुआत करवाने के लिए 31 मई तक आवेदन किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले कॉलेजों को अपने संबंधित VV की प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। मालूम हो कि यह राज्य में जुलाई महीने से प्रभावी हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कोर्स की शुरुआत होने से एंटर करने के बाद 4 साल में BA, BEd या BSc BEd कर लेंगे। बिहार में हरी खाद योजना दोबारा हुई शुरू। बिहार सरकार के द्वारा एक बार फिर से हरी खाद योजना की शुरुआत कर दी गई है। बता दें कि इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान राशि भी जारी कर दी गई है। मालूम हो कि इस अनुदान राशि के तहत किसानों को मूंग और ढैचा के लिए 80% और 90% राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। हालांकि देरी हो जाने के कारण मूंग के बीज का वितरण फरवरी 2024 में किया जाएगा, लेकिन ढैचा के बीज का वितरण वर्तमान में किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूंग और ढैचा के लिए किसानों को सरकार की ओर से अनुदान राशि 2018-19 के बाद नहीं दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। मालूम हो कि इच्छुक किसान ढैचा के लिए अनुदान राशि पाने के लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। राजद विधायकों को लालू यादव ने दिया भोज। एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति में एक्टिव होते ही नजर आ रहे हैं। बता दें कि बीते दिन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के द्वारा बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर राजद विधायकों से मुलाकात की गई और उन्हें भोज दिया गया। इस दौरान सभी विधायकों को रोहू मछली और चावल खिलाया गया। हालांकि राजद नेता शिवानंद तिवारी के द्वारा बताया गया कि भोज में चिकन की भी व्यवस्था की गई थी, और साथ ही भोज से पहले विधायकों ने सत्तू के साथ आचार का भी लुत्फ उठाया। मालूम हो कि इस दौरान लालू यादव ने वहां मौजूद विधायकों से 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बातचीत की, और साथ ही अपनी तरफ से उन्हें कुछ खास टिप्स भी दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव अपनी किडनी के ट्रांसप्लांट होने के लगभग 9 महीने बाद बिहार लौटे हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सत्ता से फेंकने का किया ऐलान।
नीतीश सरकार के विरोध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बीते दिन भाजपा नेता और सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद से मिलने नहीं देने पर बिहार के सासाराम में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सम्राट चौधरी के द्वारा समाहरणालय गेट पर आयोजित धरना को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि जिस तरह धारानंद की सरकार मगध पर बैठी थी और उसको सम्राट अशोक ने उखाड़ फेंका था, उसी तरह बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता के द्वारा भी नीतीश कुमार को चेतावनी दी जाती है कि अगर अत्याचार करोगे तो बिहार की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कहा कि मुझे अधिकार है कि मैं कहीं भी कभी भी जेल का निरीक्षण करने जा सकता हूं। मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष तो हूं ही, साथ ही मैं विरोधी दल का नेता भी हूं और मैं संवैधानिक पद पर हूं। मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे जेल के अंदर जाने से रोका गया। उन्होंने कहा कि पता नहीं नीतीश कुमार के राज में क्या हो गया है, उनका माथा गड़बड़ाया हुआ है, आप क्यों प्रशासन का दिमाग खराब कर रहे हैं। गोवा सीएम के खिलाफ उनके विवादित बोल को लेकर पटना में केस दर्ज। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के द्वारा 1 मई को अपने राज्य में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार के प्रवासी मजदूरों के ऊपर जो विवादित बयान दिया गया था, उसको लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। बता दें कि इस बयान को लेकर महागठबंधन के नेता लगातार बीजेपी और गोवा के मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। बता दें कि अब जेडीयू नेता मनीष कुमार सिंह के द्वारा पटना के सिविल कोर्ट में प्रमोद सावंत के द्वारा दिए गए बयान को लेकर नालिसी दायर करवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार गोवा के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, वही कहीं से भी बर्दाश्त नहीं करने योग्य है। उन्होंने कहा कि एक तरह जहां भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा देश के दूसरे राज्यों के प्रति नफरत भरी टिप्पणी की जाती है, यह देश के लिए उचित नहीं है। उन्होंने केवल देश में उन्माद पैदा कर लोगों को लड़ाने की कोशिश की है। आईपीएल के अगले सीजन में खेलने को लेकर धोनी ने दिया बड़ा बयान। बीते दिन आईपीएल 2023 के 16वें सीजन का 45वां मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया, लेकिन बीते दिन हुए इस मैच के टॉस के बाद धोनी के द्वारा एक बड़ा खुलासा किया गया है जो उनके आखिरी आईपीएल सीजन से जुड़ा हुआ है। दरअसल टॉस को होस्ट कर रहे डैनी मॉरिसन ने मजाकिया लहजे में धोनी से पूछा कि आप अपने आखिरी आईपीएल को एंजॉय कैसे कर रहे हैं। इस पर धोनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह आपने डिसाइड किया है कि यह मेरा लास्ट है। धोनी के इस जवाब के बाद मानो पूरे स्टेडियम में धोनी नाम की गूंज उठ गई, धोनी धोनी लोग चिल्लाने लगे। आपको बता दें कि आईपीएल शुरू होने के समय से ही इस बात की चर्चा तेज थी कि यह धोनी के लिए आखिरी आईपीएल है। हालांकि धोनी ने खुद कई बार इस तरह के संकेत दिए हैं जिससे यह लगता था कि इस बार के बाद धोनी आईपीएल से विदा हो सकते हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने सस्पेंस बरकरार रखा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से 1854 में जारी हुआ। कोल माइंस डे की घोषणा 1980 में हुई। प्रसिद्ध कवि तथा कर्नाटक संगीत के संगीतज्ञ त्यागराज का जन्म 1767 में हुआ। कर्नाटक के प्रथम मुख्यमंत्री तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल केसी रेड्डी का जन्म 1902 में हुआ। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म 1905 में हुआ। मैसूर राज्य का शासक टीपू सुल्तान का निधन 1799 में हुआ। भारतीय इतिहासकार हेमचंद्र राय चौधरी का निधन 1957 में हुआ। विख्यात तबला वादक पंडित कृष्ण महाराज का निधन 2008 में हुआ। बालखंड में आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी ब्लॉग नामक यूट्यूब चैनल के एक वीडियो में दावा किया गया है कि जिनके परिवार में बेटियां हैं उन्हें कन्या सुमंगला योजना के तहत केंद्र सरकार हर महीने 4,500 रुपए दे रही है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही। अब तय करें फेसबुक पर आपको क्या और कैसा कंटेंट देखना है। फेसबुक पर कुछ नए फीचर्स एड ऑन हुए हैं। इनकी मदद से आप ये तय कर पाएंगे कि आपको ऐप पर कैसा कंटेंट देखना है। कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने एक पोस्ट शेयर कर बताया कि कंपनी यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर कुछ नए फीचर देने वाली है जिसकी मदद से यूजर्स किसी कंटेंट के लिए कंपनी को फीडबैक दे पाएंगे। नए अपडेट के बाद आपको फेसबुक पर ये ऑप्शन मिलेगा। जब आप फेसबुक पर अब रील देखेंगे तो आपको दो नए ऑप्शन मिलेंगे। इसके लिए आपको बॉटम राइट में दिख रहे तीन डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको सो मोर या सो लेस का ऑप्शन दिखेगा। यदि आप कोई रील देख रहे हैं और वो आपको अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि ऐसा ही कंटेंट आपको और दिखे तो इसके लिए आपको सो मोर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसी तरह जिस कंटेंट को आप नहीं देखना चाहते उसके लिए आपको सो लेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। टीकाकरण भारत में टीबी के खिलाफ लड़ाई में होगा कारगर।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा यह दावा किया गया है कि एक अध्ययन से पता चला है कि टीकाकरण से टीबी के इलाज में काफी मदद मिलेगी और इससे टीबी के मरीजों में 50% तक की कमी आ सकती है। ICMR के द्वारा कहा गया है कि टीबी से लड़ने में टीकाकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि देश में अभी कई टीबी वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो अपने ट्रायल के तीसरे चरण में हैं। मालूम हो कि भारत के द्वारा 2025 तक टीबी से पूरी तरह मुक्ति पाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि अध्ययन में यह भी कहा गया है कि बीमारी को रोकने वाला टीका संक्रमण रोकने वाले टीके की तुलना में अधिक प्रभावशाली होगा। मालूम हो कि प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा कहा गया है कि देश में अभी टीबी से लड़ने के लिए जो टीके विकसित किए जा रहे हैं उन्हें तैयार होने में कुछ वक्त लग सकता है। ऐसे में BCG का पुनः टीकाकरण अल्पावधि में टीबी से लड़ाई में एक मूल्यवान हथियार साबित हो सकता है। पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू कुमार राज, मृत्युंजय कुमार, अनवर करीम खान, सदुल्लाह पलवी, वेद प्रकाश सिंह, प्रीति, शंकर मुखिया, आयंश यादव, मुटू रंगीला, राजीव कुमार, अली रेहान, विकास दास, दया शंकर प्रसाद सिन्हा, कृष्णकांत शर्मा, सरिता पासवान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार धोनी के मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें अगले IPL में खेलना चाहिए या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।